अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके नीचे जो जगह होती है इसमें अक्सर चूहे छिपके बैठ जाया करते हैं और ये चूहा पूरा कचरा नीचे करके रखता है। तो कभी कभी ये होता है जो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा होते हैं उनका जो पसंदीदा भोजन होता है वो होता है चूहा। तो ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का ये बेबी है और इसे हम ग्लव्स लगाएंगे उसके बाद इसे हम पकड़ते हैं। और जैसा कि ये छोटा तो ज़रूर है लेकिन कान इसका उतना ही बड़ा है। यह सांप, यह एक ऐसा सांप है बगैर दबे बगैर छेड़छाड़ को एक इंसान को बाइट नहीं करता और ये पहले फूंक मारता है, यह सांप उसके बाद ही इंसान को बाइट करता है। और जैसा कि सांप आप देख लीजिए अंदाजा लगा सकते हैं, यह इंडियन एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, इसी को नाग भी कहा जाता है, इसी को फिटार भी कहा जाता है और इसी को गेहुअन भी कहा जाता है। ये छोटा तो जरूर है लेकिन जो इसके अंदर जहर पाया जाता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। न्यूरोटॉक्सिन नाम का इसके अंदर जहर पाया जाता है और इसके काटने के बाद आपको 35 से 40 मिनट का, लगभग 50 मिनट का हमें समय मिलता है। उतने समय में आपकी मौत हो जाएगी अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिले तो। अगर आप झाड़ फूँक के चक्कर में जाएंगे तो मौत पक्की है और अगर आप सीधा हॉस्पिटल पहुँच गए तो आप सीधा बच जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं डिब्बा आ चुका है, इसी डिब्बे में से हम पैक करते हैं। और वीडियो को देखकर आपको काफ़ी बिल्कुल नहीं करना है, अगर वीडियो को देखकर आप काफ़ी कहेंगे तो आपके साथ हादसा हो सकता है क्योंकि यह कान एक एक्सपर्ट के लिए है। और इसमें ऑक्सीजन के लिए बनाते हैं, आपको दिखाते हैं।